डिवाइड बताया था आपको, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन उसके भी लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी, क्वेश्चन लिखिए, एक आदमी अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित करना चाहता है, इस प्रकार विभाजित करना चाहता है कि उसके लड़के और उसकी पत्नी को, उसके लड़के और उसकी पत्नी को, उसके लड़के और उसकी पत्नी को, और उसकी पत्नी और उसकी पत्नी और उसकी लड़की को, उसकी लड़की को प्राप्त जायदाद का अनुपात, प्राप्त जायदाद का अनुपात, अनुपात 3:1 है, 3:1 है यदि यदि उसकी लड़की को, उसकी लड़की को उसके लड़के से, उसकी लड़की को उसके लड़के से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं, 10,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, तो उस आदमी की कुल जायदाद क्या है, उस आदमी की कुल जायदाद क्या है, उस कुल जायदाद क्या है। मैं एक बार बता दूं, आप देखो क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी इस प्रकार से पति का डिवाइड कर रहा कि जो उसका लड़का है, ठीक है, और उसकी पत्नी है। एक बार बोर्ड की तरफ आइए, उसका लड़का है और उसकी पत्नी है, इनका जो हिस्सेदारी हो वो 3:1 का हो, 3:1 का हो, ठीक है, और उसकी पत्नी उसकी लड़की के साथ जब हिस्सेदारी हो तो पत्नी को 3 रुपए मिले तो लड़की को 1 रुपए मिले, इस तरीके से वो डिवाइड करना चाहते हैं। आप पढ़िए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित करना चाहता है कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी को, और उसकी पत्नी और उसकी लड़की को, ठीक है, 3:1 का रेशियो प्राप्त हो जाए। तो यहां भी 3:1 है और पत्नी और लड़की के साथ भी जब कंपैरिजन किया तो 3:1 है। आप ऐसा सोचिए कि अब रेशियो को हम रिलेट करना है, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। अब आप देखो यहां पे कौन सी डिजिट आएगी, 1 आएगी, यहां पे कौन सा आएगा, 3 आएगा, तो आप इसको कर सकते हैं 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। मतलब उसके लड़के को अगर 9 रुपए मिलेंगे तो उसकी बीबी को 3 रुपए मिलेंगे और उसकी लड़की को मिलेगा 1 रुपए, ठीक है। तो आप देखो लड़के को ज्यादा कितना दिया, उसको 9 दिया, इसको 1 दिया, मतलब कितना यूनिट ज्यादा है, 8 यूनिट ज्यादा है ना, और इसी की वैल्यू बताई है आपको कितनी,
10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 बटा कितना, 8। तो पूरी संपत्ति देखो कितनी है, 9 × 3 = 12, 9 × 3 = 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आंसर बता दिया जाएगा कि नहीं कि साहब ये 1250 हो गया और 13 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 13 × 65, 6, 13 × 26, 6 = 32, 2 × 13 = 16। बोले तो उसकी कुल जायदाद होगी 16,250। समझ पा रहे बात को, आ रही बात समझ में हमारी, नोट कर लो एक बार। फिर लिख क्वेश्चन, फिर लिखो। एक आदमी, क्वेश्चन लिखिए, एक आदमी के तीन बेटे, दो बेटी, तीन बेटे दो बेटी और एक पत्नी है, उन्होंने 19,000 की एक राशि को, आपस में प्रकार बांटा है, कि प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे से, वन पॉइंट फाइव गुना राशि मिले, तथा उसकी पत्नी को, प्रत्येक बेटे से, छह सौ रुपये कम प्राप्त हो तो उसके तीनों बेटों को, मिलने वाली राशि कितनी होगी, मैं बताऊं आपको एक बार, देखो एक बार क्वेश्चन पे आइए। तीन बेटा है, दो बेटी है, लेकिन बीवी एक ही है, एक है पत्नी, कहता है प्रत्येक बेटे से, मान लो एक बेटे को x मिलता है तो एक बेटी को 1.5x मिलेगा, ठीक है, और बेटे से पत्नी को 600 कम मिलने हैं, मतलब x माइनस इसको मिलना है 600, ठीक है। तो तीन बेटों को अगर xx रुपया मिलेगा तो इसका मतलब तीनों बेटों को कितना मिले, 3x मिले,
और इसको भी अगर मान लो 1.5x मिलता है एक बेटी को, तो इसको भी कितना मिलेगा, 3x मिलेगा, और एक पत्नी है जिसको x माइनस 600 मिलेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं। अब इसको जोड़ेंगे आप तो ये 19,000 रुपए आएंगे, कि टोटल तो 19,000 रुपए ही है, ठीक है। इस 600 को इधर ले आके जोड़ दो, तो x 3x 3x बोले तो 7x की वैल्यू हो जाएगी, 19,000 प्लस हो गया 600, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 19,600 बटा 7, सही जा रहे हैं हम लोग। तो 7 × 2 = 14, 7/56, मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी, 2800। तो तीनों बेटों को पूछा है, तो तीनों बेटों को तो 3x मिला है ना, तो तीनों बेटों को अगर 3x मिला है तो 3 × 2800 बोले तो कितना आएगा, 8400 आएंगे कि नहीं, मतलब तीनों बेटे को उसको 8400 देना है ना। एक बेटा को बोलेगा तो एक बेटा को 2800 मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2800 है। एक बेटी को बोलेगा तो 2800 × 1.5 आएगा, आएगा कि नहीं। अगर पत्नी को बोलेगा तो 2800 में से 600 घटा के आएगा। दो बात पूछी जाएगी, बात आप बता देंगे, आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे बात को, नोट कीजिए एक बार। मिटा दो इसको, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी ₹60 में एक गिफ्ट खरीदते हैं, एबीसीडी ₹60 में एक गिफ्ट खरीदते हैं, एक गिफ्ट खरीदते हैं, खरीदते हैं यदि ए ए अन्य की तुलना में, अन्य की तुलना में, यदि ए अन्य की तुलना में आधे पैसे देता है, अन्य की तुलना में आधे पैसे देता है, आधे पैसे देता है, देता है, बी बी अन्य की तुलना में, अन्य की तुलना में 1/3 भाग देता है, 1/3 भाग देता है, बी अन्य की तुलना में 1/3 भाग देता है, जबकि सी सी अन्य की तुलना में, अन्य की तुलना में 1/4 भाग देता है, 1/4 भाग देता है, 1/4 भाग देता है, 1/4 भाग देता है, तो डी के द्वारा, डी के द्वारा, डी के द्वारा k
कितने पैसे दिए गए होंगे, तो डी के द्वारा कितने पैसे दिए गए होंगे, डी के द्वारा कितने पैसे दिए गए होंगे। मैं बता दूं आपको एक बार, देखो इसमें चार लोग हैं और तीन डेटास दिए हैं। ऐसे ही सोचने से लगता है कि हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन बना कैसे सकते हैं इस पे आइए। ए बी सी डी एक गिफ्ट खरीदते कितने रुपए का, 60 रुपए, ठीक है। ए कहता है अन्य की तुलना में, माने अन्य कौन है, बी प्लस सी प्लस डी, आधे देता है, मतलब ये एक देता होगा तो अन्य देते होंगे कितने, 2। समझ पा रहे हैं ना, एक ये हो गया। कहता है बी जो है वो अन्य की तुलना में, मतलब ए प्लस सी प्लस डी, अन्य की तुलना में एक तिहाई देता है, मतलब ये 1 तो ये 3, सही है। कहता है सी नाम का जो बंदा है वो अन्य की तुलना में, मतलब ए प्लस बी प्लस डी, 1/4 देता है, तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब तू खुद ही देख कि ये चारों हो गए ना, तो ए का प्लस 2 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 रुपए के बराबर हो गई, नहीं क्योंकि चारों ने मिलकर तो 60 रुपए ही दिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। इसका मतलब ए का तो पता चल गया, 20 रुपए दे रहा, यहाँ पे बैठा दिया हमने, ए का तो यहां से पता चल गया। समझ पा रहे बात को, चल गया ना ए का। यहां भी देख ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है कि नहीं, तो 1+3 मतलब 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं फिर से 60 के बराबर हो गई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। इसका मतलब b के पास कितना हो गया, 15। यहां भी रख दिया कि भाई b के पास तो 15 रुपए हो गए, ठीक है। फिर देखो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब 4 a का प्लस 4 बोले तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई कितने के बराबर, 60 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो C के पास कितने पैसे हो गए, 12 रुपए दिए होंगे ना, तो C का रख दिया यहाँ पे 12। अब तीन आदमी का पता लग गया ना, तो 20 15 35 35 12 47 जोड़ देंगे तीनों को, और 47 आप इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13, कि मतलब कि D को 13 रुपए देने दे दिया होगा, D ने कितना दिया होगा, 13 रुपए। समझ पा रहे बात को, डी ने कितना दिया होगा, 13 रुपए। समझ रहे हैं कि नहीं, ये तीन डेटाज हैं और चार लोग हैं, समझ रहे हैं बात को हमारे, नोट कीजिए इसको। मिटा दूं इसको, मिटा दो। अब देखो डिवाइड में एक क्वेश्चन आता है, काफी टाइम टेकन लेता है ना, काफी लेता है, लेकिन वो किताबों में दिखता है या बच्चे डाउट लेके आते हैं, उसको भी एक बार लिखो। 600 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए बी सी में
इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a के 2/5 से 40 रुपए अधिक a के 2/5 से 40 रुपए अधिक 40 रुपए अधिक कोमा दीजिए अधिक कोमा दीजिए b के 2/7 से 20 रुपए अधिक 2/7 से 20 रुपए अधिक 20 रुपए अधिक तथा c के 9/17 से 10 रुपया अधिक सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक अधिक परस्पर बराबर हूं तो ए का भाग कितना है मैं बता दूं, आप देखो एक बार बोर्ड के तरफ आओ प्लीज देखो a+b+c = 600 में विभाजित करना आपको करना है ना इस आप 600 रुपए में हमें विभाजित करना है अब कहता है कि a के 2/5 से 40 रुपए अधिक यही होगा ना बराबर है b के 2/7 से 20 रुपए अधिक 2/7 से 20 रुपए अधिक और c के 9/17 से 10 रुपए अधिक है ना ये तीनों भाग आपस में बराबर हो ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है अब आप एक बात जानो कि हम इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं ठीक है तो ये वाली जो चीज आएगी ये वाली ये भी तो k के बराबर आएगी अगर हम 5 को LCM ले तो 2a + 40 × 200 समझ पा रहे बात को = आ जाएगा कितना k ये उधर ले जाओ तो 2a = 5k आ जाएगा ये 5k माइनस कितना 200 तो a = कितना आ जाएगा 5k - 200/2 समझ पा रहे हैं बात को आ रही मेरी बात समझ में फिर ये देखो 7 को लोगे कॉमन तो ये आएगा 2b + 140 = कितना k तो b = कितना आएगा 7k - 140 / कितना 2 यस और नो आएगा ना अगर c की वैल्यू आप निकालेंगे c की तो यहां फिर से आप LCM लेंगे 17 और ये आएगा 9c + 170 = आ गया k तो c बराबर आएगा 17k - 170/9 600 है ना 5k - 200/2 + 7k - 140/2 17k - 170/9
इज इक्वल टू कितना 600। समझ पा रहे बात को? आप देख, हम एलसीएम निकाल के k की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना की वैल्यू, बोलो हाँ या ना। और अगर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये k कितने के बराबर है, कितने के बराबर है? नहीं तो हम यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, यस और नो, निकाल सकते हैं ना। तो a की वैल्यू आप निकाल के देख लेना क्या आता है, 150। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन ही रह गई है इसमें। बच्चा कहता है सर इसको कैसे करें, इतना लंबा है ना। भैया लंबा तो है लेकिन सर ये जो चीजें दिख रही है ना आपको, ये फ्रैक्शन में प्लस भी जोड़ दे रहा, तो इससे इसको पकड़ने में सुविधा नहीं हो रही है ना, पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पहले हम लोग बहुत पहले ये पढ़ाते, बहुत पुराने क्वेश्चन है, बहुत पहले पढ़ाते हैं, तो हम लोग सर रटवा ही देते थे कि ए की वैल्यू पूछता है 150 रुपए, रट जा है ना, 150 रुपए रट जा। आज तक उसने क्वेश्चन को बदला नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको इसको बनाने में काफी वक्त लग जाता है। समझ पा रहे बात को? एक बार इसको नोट कर लो और घर में जाकर ट्राई करना, यहाँ पे के की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू निकलेगी इसके बराबर रख देना, ए की वैल्यू निकल जाएगी, यस और नो। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही, नोट कर लो। मिटा दो इसको, ट्रेडिशनल है, पूरा पूरा ट्रेडिशनल है, लेंथी क्वेश्चन आता है, लेकिन साहब पूछा जा गया है तो इसको आदमी करा देता है। मिटा दो इसको, अच्छा जी अब देखो क्वांटिटी कैसे आते हैं पैसे सिक्कों के, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लीजिए, सिक्कों क्वेश्चन लिखिए, एक बक्से में 180 रुपए हैं, एक बक्से में 180 रुपए हैं, यदि उसमें एक रुपए पचास पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः, सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है,
दो अनुपात तीन अनुपात चार है, चार है, दो अनुपात तीन अनुपात चार है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मैं एक बार बता दूं तेरे को, इधर आ, मैं बता, ये देख 180 रुपए हैं इस थैले में, कितने 180 रुपए, रुपए के रूप में दिए गए, और कहता है कि एक रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे वाले भी हैं और 25 पैसे वाले भी हैं, ठीक है। अगर कहता है कि इनका रेशियो है 2:3:4, तो आप ये देखो, ये तो संख्याओं का अनुपात होगा ना, होगा कि नहीं, कि साहब ये दो होंगे एक रुपए वाले सिक्के, तो तीन होंगे 50 पैसे वाले, तो 25 पैसे वाले चार होंगे। तो जब रुपया दिया गया है तो रुपया में बनाओगे ना इसको, तो देख एक रुपए का सिक्का दो है तो दो रुपए का है, अगर 50 पैसे का सिक्का तीन है तो वो 1.5 के बराबर है, 25 पैसे का सिक्का अगर चार है तो वो कितने के बराबर है, एक के बराबर है। मतलब आप ये बोलेंगे कि एक यूनिट में कितना रुपया आ रहा है, एक यूनिट में चेक करो कितने रुपए आ रहे हैं, 4.5 आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि 4.5 रुपए तब होंगे जब इसकी वैल्यूज दो होगी, इसकी वैल्यूज तीन होगी, इसकी वैल्यूज चार होगी। तो आपको क्वेश्चन में दिया है भैया 180 रुपए हैं, तो आपको ऐसा लगता कि नहीं लगता कि 4.5 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 180 बटा 4.5, इसको हटा दो ये जीरो, 45 चौका 180, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो गई 40। आप कहेंगे 40 दुना 80, 40 दिया 120, 40 चौका 160। समझ पा रहे बात को, नहीं बुझा रहा ना? अच्छा देख, एक बार नोट नहीं करो, जैसे मान ले ये बड़ा सा पर्स है, सब बैग, इसमें छोटे छोटे बटुए हैं, जिसमें एक रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, इधर पांच चार में है। आपको ऐसा लगता है कि आप इसको बदलेंगे तो एक रुपए का अगर सिक्का दो है तो दो रुपए का आएगा, 50 पैसे का सिक्का तीन है तो ये 1.5 के बराबर आएगा, और 25 पैसे का सिक्का चार के बराबर आएगा। मतलब मोटी आप ये कह सकते हैं, मोटा मोटी, कि साहब ये एक थैला जो होगा वो 4.5 रुपए के बराबर है, छोटे जो पर्स हैं वो 4.5 रुपए के बराबर है। तो पहले तू ये चेक कर कि अगर 4.5 रुपए एक पर्स में आते हैं और टोटल थैले में 180 रुपए हैं, तो पहले ये चेक कर कि आखिर कितना पर्स है छोटा छोटा, ठीक है। तो यहाँ जीरो लगा दो, इसको हटा दो और इसको काट दोगे तो ये आएगा कितना, 40 आएगा ना। मतलब 40 पर्सेज हैं छोटे छोटे, मानते कि नहीं, 40 पर्सेज छोटे छोटे। तो जब 40 पर्सेज हैं छोटे छोटे, तो आपको ये बात कहने में शायद बुराई नहीं होगी कि एक पर्स में ये दो सिक्के हैं, 40 × 80, एक पर्स में ये तीन सिक्के हैं, 40 दिया 120, अगर एक पर्स में ये चार सिक्के हैं तो 40 दिया 160। तो 50 पैसे के मैंने सिक्के पूछे आपसे, तो 50 पैसे के सिक्के आप कह देंगे 120 सिक्के होंगे, हम आंसर्स को बता सकते हैं। समझ पा रहे बात को, कि हम ऐसा कह सकते हैं कि साहब 120 सिक्के होंगे, तभी जाके ऐसी सिचुएशन आई होगी। सही है गलत है, सही है ना? चलो आगे नोट कर लो,
सही जा रहे हैं, मिटा दें इसको। मिटा दो। क्वेश्चन लिखिए। एक बक्से में 56 रुपए, 56 रुपए, एक बक्से में 56 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, एक बक्से में 56 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, और 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, के सिक्कों के रूप में हैं, सिक्कों के रूप में हैं, सिक्कों के रूप हैं, रूप में हैं, तथा 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के से, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के से, 25 पैसे के सिक्के से, सिक्के से दुगने हैं, और 1 रुपए के सिक्के से, 1 रुपए के सिक्के से 4 गुने हैं, 4 गुने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? एक बार मैं फिर से बताऊं आपको, आप एक बार बोर्ड की तरफ आइए, कॉइन्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर मान 56 रुपए, ठीक है, रुपए की सिक्कों की शक्ल क्या है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। कहता कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे से दुगने, मतलब ये एक है तो ये कितना है, 2 है, लेकिन 1 रुपए से ये 4 गुना है, मतलब ये एक है तो ये कितना है, 4। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 4 बना लेते हैं, इसको 4 बना लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2 बनेगा कि नहीं, यस और नो। इससे ये डबल हो गया और इससे ये 4 गुना हो गया, तो 1 रुपए का सिक्का 1, वैल्यू कितनी, 1, क्योंकि यहां रुपया दिया गया है, तो रुपए में ट्रांसफर करोगे ना, ये तो संख्याओं का अनुपात है ना, ये तो संख्याओं का अनुपात है, यस और नो, है ना। तो 50 पैसे के सिक्के अगर 4 हैं तो वो 2 रुपए के बराबर है, ठीक है, और 25 पैसे वाले अगर 2 हैं तो वो 0.5 रुपए के बराबर है, मतलब 50 पैसे के बराबर। आप इसको जोड़ोगे तो 2 × 1 = 3, 3.5 आ गया, तो 3.5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है आपको, 56 के बराबर दी गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 56/3.5, इसको हटाओ यहां ले आओ, 7×5 = 35, 7/56 = 80, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 16। समझ पा रहे बात को, तो 50 पैसे के सिक्के पूछे, 16 से इसमें गुणा कर दो, यही है ना संख्याओं का अनुपात, तो 16 कितना, 64। इस आप 50 पैसे के सिक्के, इसका मतलब है कि 64 सिक्के होंगे, समझ पा रहे बात को, ये इस हिसाब से आने चाहिए, बात क्लियर हो रही है हमारी, हाँ जी,
क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं, 640 रुपए हैं, छह सौ चालीस रुपए हैं, जो एक रुपए पांच रुपए, जो एक रुपए पांच रुपए, एक रुपए पांच रुपए और दस रुपए के नोटों के रूप में है, एक रुपए पांच रुपए और दस रुपए के नोटों के रूप में है, दस रुपए के नोटों के रूप में है, यदि 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 सभी नोटों की संख्या समान है, सभी नोटों की संख्या समान है, समान है, सभी नोटों की संख्या समान है, तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं बता दूं आपको एक बार फिर से, आइए इधर, ये 640 सही है, ये 640 रुपए, इसमें एक रुपए के भी नोट है, इसमें पांच रुपए के भी नोट है और इसमें दस रुपए के भी नोट है, ठीक है। सारे नोटों की संख्या समान है, मतलब दिस इज रेशियोस कि 1:1:1 आ गया, बराबर है, मतलब क्या है, यही है ना, संख्या का अनुपात, संख्या है ना। तो यहां पे नोट दिया गया, दिया गया है ना नोट, तो नोट में ट्रांसफर करो, एक पांच दस, मतलब ये एक रुपए के बराबर होगा, ये पांच रुपए के बराबर होगा और ये दस रुपए के बराबर होगा, टोटल कितना हो गया, दस पांच पंद्रह एक सोलह, मतलब 16 यूनिट की वैल्यूज कहीं ना कहीं 640 रुपए के बराबर होगी, क्योंकि एक यूनिट में 16 रुपया होगा नहीं, तो हम देखते कितना यूनिट हमारे पास है, 16 × 64 मतलब 40 यूनिट है, यही है ना। तो इसका मतलब 40 नोट ये होंगे, 40 नोट ये होंगे और 40 नोट ये भी होंगे, तो 40 40 40 बोले तो 120 नोट होंगे कि नहीं पता, हाँ या ना, 120 नोट टोटल होंगे कि नहीं होंगे, हम आंसर्स बता सकते कि नहीं, कि टोटल 120 नोट होने चाहिए तभी जाके ऐसी सिचुएशन आई होगी, नोट कर लो इसको। एक तो क्वेश्चन बोला जिसमें यहां पे रुपए दिए गए, ठीक है, एक तरह के क्वेश्चन है, फिर दूसरे क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, यहां पे सिक्के दिए जाएंगे, मिटा दो इसको, मिटा दो, क्वेश्चन पे आइए। एक बक्से में, एक बक्से में 420 सिक्के हैं, रुपया नहीं बताया, सिक्का बताया, एक बक्से में 420 सिक्के हैं जिसमें, जिसमें
एक रुपए पचास पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, 13:11:7 है, 13:11:7 है, 7 है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के ने होंगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, इसमें क्वाइंस दिए गए, इधर आ जा प्लीज। टोटल सिक्के कितने बताए तेरे को, 420। ये देख सिक्के हैं, 420 क्या है, सिक्के, 420 सिक्के, ठीक है, जिसमें 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 20 पैसे का भी सिक्का है। इनके मूल्यों का अनुपात बोला है कि इनकी मूल्य का अनुपात है 13:11:7। समझ पा रहे, मूल्य का रेशियो देगा, मतलब रुपए के रूप में, कि अगर ये 13 रुपए होंगे तो ये 11 रुपए होगा, तो ये 7 रुपए होगा। जब यहां पे रुपया दिया गया था तो यहां पे संख्याओं का अनुपात दिया जा रहा था, ध्यान दियो, जब यहां रुपया दिया गया था तो यहां संख्याओं का अनुपात दिया जा रहा था, जब यहां सिक्के दिए जा रहे तब यहां मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा। आप कैसे ट्रांसफर करोगे संख्या में, कहे कि संख्या अगर सिक्कों की दी गई है तो संख्या का अनुपात आना चाहिए, तब जाके आप उसमें बांट पाएंगे। तो 13 रुपया तभी होगा ना जब 1-1 रुपए का सिक्का 13 होगा, बोलो हाँ, 13 रुपया तो तभी होगा ना जब 1-1 रुपए के सिक्के 13 होंगे, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही ना। और 11 रुपया कब होगा, जब 1 रुपया में 2 अठन्निया होती है ना, 50-50 पैसे का सिक्का 2 होते हैं, तो 1 रुपया में 2 होता है, तो 11 रुपये में कितना होगा, 11 × 2 = 2200, मतलब 22 सिक्के मिलके, अगर 22 सिक्के 50-50 पैसे के हुए तब वो 11 रुपए के बराबर होंगे। मानते कि नहीं मानते इस बात को, मानते हैं ना, लिखो नहीं अभी, लिखो नहीं, देखो इसको, 1 रुपए में 20 पैसे कितना होता है, 5 होता है, 20 पैसा कितना होता है, 5, तो 7 रुपए करने के लिए हमें कितने देने होंगे, 35 देने होंगे कि नहीं। अब आप सिक्कों के कर चुके हैं, अब आप इसको बांट सकते हैं, 13, 22, 35, 70 यूनिट की वैल्यू हो गई, कितने के बराबर, 420 के बराबर, 0 से 0 गया, इससे गया 6। अब देख 50 पैसे का सिक्का, तो यही संख्याओं का अनुपात है ना, तो 6 से गुना कर दो, ये आ गया 132, मतलब 132 सिक्के 50 पैसे के होंगे। अगर पूछेगा 1 रुपया वाला कितना है, तो 13 × 6 कितना, 78 हो गया। अगर ये पूछेगा तो 6 से गुना कर दियो, 35 × 70 या 210, मतलब सिक्के की संख्या पूछेगा। एक बात ध्यान दियो कि या तो यहां रुपया देगा, तो रुपया देगा तो संख्याओं का अनुपात देगा, ठीक है, और अगर मान लो यहां पे सिक्का देगा तो मूल्यों का अनुपात देगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। समझ पा रहे बात, आ रही समझ में, नोट कीजिए।
मिटा दो इसको। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए इस पे। एक बैग में एक रुपया पचास पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या 175 है, 75 है, 175 है, और उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, मतलब मूल्य बराबर है सबके, है ना, उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है तो बैग में कुल धन राशि ज्ञात कीजिए। मैं बता दूं आपको फिर से, एक बार बोर्ड की तरफ आओ। लास्ट क्वेश्चन सिक्का क्या बता रहा हूं, देखो 175 क्वाइंस हैं। जब 175 सिक्का हो गया तो आदमी को यह बात समझने में दिक्कत नहीं हो रही कि साहब जैसे ही हो गया कि अब मूल्यों का रुपये नहीं बनता, है ना, तो आप सीधे सीधे सोचो, एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात, मूल्य का जो रेशियो है वो 1:1:1 है। सिक्कों की संख्या में ट्रांसफर करोगे ना तभी तो सिक्के में बटेंगे, ये तो संख्या में ट्रांसफर करोगे तो ये एक ही आएगा। एक रुपए का सिक्का, एक रुपए की वैल्यू तभी आएगी जब एक होगा। अठन्निया कितनी होंगी, दो। चवन्निया कितनी होंगी, चार। सही है, चार अदू छ एक कितना, सात। सात यूनिट की वैल्यू सिक्कों में से बांटते हैं तो सात यूनिट की वैल्यू हो गई 175 के बराबर। 7 × 2 = 14 और 7 × 5 = 35। मतलब आप ये कहेंगे कि ये सिक्के 25 रुपए के होंगे या स्वर्णों होंगे ना, 25 रुपए के, और ये 50 सिक्के होंगे तो ये भी 25 रुपए के ही होंगे, क्योंकि वैल्यू तो बराबर है। और ये 25 पैसे वाले सिक्के 100 भी होंगे तब वो तो वैल्यू बराबर आएगी। समझ पा रहे बात को, तो 25 धन राशि पूछा है, ये 25 रुपया होगा, ये भी 25 रुपया होगा, सिक्का भले 50 होगा लेकिन होगा तो 25 ही ना, बोलो हाँ या ना। और ये सिक्का भले 100 होगा लेकिन धन राशि तो 25 ही होगी, 25 25 25। बोले तो हम कह सकते हैं कि रुपए की संख्या हो जाएगी कितनी, 75 रुपए के बराबर। यस और नो, सिक्कों के क्वेश्चन सिर्फ दो तरीके से, है ना। अगर यहां रुपया दिया जाए का अनुपात दिया जाता है, अगर यहां सिक्का दिया जाता है मूल्यों का अनुपात दिया जाता है। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, आ रही है ना समझ में? हाँ जी, क्वेश्चन लिखे।
सिक्कों के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखिए, संपूर्ण पृथ्वी पे, क्वेश्चन लिखो, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध गोले का आधा, बोर्ड की तरफ देख लो, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध ऐसे होता ना पृथ्वी, तो ये उत्तरी होता है, ये दक्षिणी होता है, तो कहता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात होगा। मैं बता दूं आपको एक बार, एक अच्छा बना के देखो, 4:11। अच्छा जी, ये पूरा डेटा में रिपीट कर दिया। अच्छा चलो मान लिया, इधर आ एक बार, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें ये एक उत्तरी गोलार्ध है, गोले का आधा, ये उत्तर माना जाता है, ये दक्षिण माना जाता है, मैप के हिसाब से आपको जो मानना मान लो, ये जरूरी नहीं है उसको मानो। कहता संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि और जो जल का अनुपात है वो 1:2 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 100 है तो ये कितना है, 200 है, ठीक है मोटा मोटा। फिर कहते हैं हम, ये उत्तरी गोलार्ध है, हमने जो माना हुआ है इसको उत्तरी गोलार्ध माना, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, इसमें जो भूमि और जल का जो अनुपात है, भूमि और जल का जो अनुपात है वो 2:3 पूछा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अच्छा एक बात मेरे को बताता हूं, एक बात मेरे को क्लियर कट बता, कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि पूरी पृथ्वी अगर हम मान लें कि 100 और 200 है, 1:2 है, तो हमने इसको 100 और 200 मान लिया, कहे कि वो रेशियो में है, तो अगर पूरी पृथ्वी को हमने 300 मान लिया तो इसका मतलब 150 ऊपर भाग होगा और 150 नीचे भाग होगा, मानते हैं इस बात को, कहे कि ये गोले का आधा है, तो अगर टोटल पृथ्वी, देखो यहां पे माना हमने कितना, 300, अगर टोटल पृथ्वी को हमने 300 माना है तो इसका मतलब साफ और साफ होगा, आप ये कहेंगे कि 150 ऊपर होगा 150 नीचे होगा, तो इसी 150 में 2, 3, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 150, सही है, आधा 150 माना ना, पूरा 300 माना तो आधा 150 माना, आधा 150 माना, माना कि नहीं माना, तो 2, 3, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 30, इसका मतलब भूमि हमने 60 माना हुआ है और जल हमने 90 माना, यही है ना इसका मतलब,
तो भूमि अगर हमने 60 तो ऊपर है भूमि 100 है, पूरी पृथ्वी में भूमि कितनी है 100 है, और ऊपर में 60 है तो नीचे कितनी होगी 40 होगी, और टोटल जल पर 900 है ऊपर 90 है 90 तो इसका मतलब नीचे कितना होगा 110 होगा। अगर हम इसको काट लेंगे तो ये 4:11 के रेशियो में ट्रांसफर आउट हो। समझ पा रहे बात को? आ रही मारी बात समझ में? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। ए तथा बी, मिटा दीजिए इसको, ए तथा बी भाइयों ने, ए तथा बी भाइयों ने, भाइयों ने 4:5 में, 4:5 में, 4:5 में, 4:5 में कुछ बचते की, कुछ बचते की, कुछ बचते की, कुछ बचते की, बचते की, उन्होंने, उन्होंने अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के लिए, बहन के लिए एक उपहार, एक उपहार गिफ्ट, एक उपहार खरीदने का निर्णय किया, खरीदने का निर्णय किया, निर्णय किया जिसकी कीमत, जिसकी कीमत, कीमत 3:4 में, 3:4 में आपस में बांट लिया, 3:4 में आपस में बांट लिया, बांट लिया। इस खरीद के बाद, इस खरीद के बाद, खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का, ए ने अपनी राशि का 1/3 खर्च कर दिया, 1/3 खर्च कर दिया, खर्च कर दिया, खर्च कर दिया, जबकि बी के पास, जबकि बी के पास, बी के पास 145 रुपए, 145 रुपए, 145 रुपए, 145 रुपए शेष बच गए, 145 रुपए शेष बच गए, 145 रुपए शेष बच गए, शेष बच गए, तो उस उपहार की कीमत क्या है, उस उपहार की कीमत क्या है,
बना के बता दो। बता सोच के बनाऊं। दो भाइयों ने ए और बी ने 4:5 में कुछ बचतें की हैं, ठीक है। उन लोगों ने पहले भाई ने 4 रुपए बचाया तो दूसरे भाई ने 5 रुपए बचाया, ठीक है। कुछ बचतें उन लोगों ने की, अपनी बहन के लिए उन लोगों ने गिफ्ट खरीदना था। तो दोनों भाइयों ने 3:4 में पैसा खर्च किया और गिफ्ट खरीद लिया। तो इस प्रकार ए अपनी बचत का 1/3 खर्च कर देते हैं और बी के पास 145 रुपए बच जाते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि भैया उस उपहार की कीमत क्या है। मैं बता दूं आपको एक बार, नहीं बन रही है तेरे से ना। चलो इधर आओ, एक बार समझाऊं मैं आप। देखा, बचत जो है इनकी ए और बी की 4:5 में है, इसका क्या मतलब है? ये 4 रुपए बचाता होगा तो ये कितना? 5 रुपए। समझ पा रहे हैं? पहला लाइन है कि बचत का ये, और जो उपहार है, जो उपहार है जिसे हम गिफ्ट कह रहे हैं, उसको इन लोगों ने 3:4 में खर्चे को बांट लिया है ना। अगर ये 7 रुपए का उपहार खरीदे हैं तो 3 रुपया इसने बांटा है और 4 रुपया इसने दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी बहन का है तो हम मान लेते हैं ये 300 हो सकता है और ये 400 हो सकता है। मान लिया एक मिनट के लिए, है ना। मान सकते हैं आप? मानना का मन है मानो, नहीं मानने का मन है नहीं मानो। 300-400 मानेंगे थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, मतलब अब ना भी मान के मैं बता दूंगा कि ऐसी करो। मतलब इसने 300 रुपए खर्च किए, इसने 400 किए। अब एक बात बता कि इसने अपने बचत का 1/3 खर्चा किया है, ठीक है। तो इसकी बचत जितनी भी होगी उसका 1/3 300 होगा, 300 रुपए दे रहा है। तो x की वैल्यू कितनी बताओगे तुम? 900। मतलब इसने बचत की होगी पक्के तौर से 900। बोला हाँ, तभी तो इसका 1/3 300 रुपया खर्चा कर रहा। सही जा रहे हैं हम? चार जहां है वहां तो इसकी बचत आ गई 900, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 900 के बराबर। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 900, तो 1 यूनिट, अरे 900 रुपए बचत करेगा तभी तो 1/3 300 रुपया उपहार में देगा। और ये जो 900 रुपए बचत है वो 4 इकाई के बराबर है कि नहीं? बोला हाँ। तो 4 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 225। तो इसने 5 यूनिट बचत किया है, तो 5 यूनिट बचत किया है इसका मतलब 1100 कितना? 2500। सही जा रहे हैं हम लोग? बोलो हाँ। हाँ, ये पता लग गया कि अगर ये 300 रुपया दे रहा तो ये 400 देगा, और अगर ये 300 दे रहा तो इसकी बचत 900 होगी पक्के तौर से। मां बोला हां या ना? कहता है इसके पास 145 रुपए बचे, मतलब 725 बचना चाहिए ना, 1125 में से 400 खर्चा कर गया तो कितना बचना चाहिए? 725 बचना चाहिए। तो बता 725 यूनिट की वैल्यू, 725 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है तेरे को? 145। बी के पास 145 रुपए बचते हैं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देख, बचते हैं ना। तो 725 यूनिट की वैल्यू 145 होगी कि नहीं? बोला हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 145/725। तो उपहार की कीमत कितनी है बता? उपहार की कीमत 300 ये दिया है, 400 ये दिया है,
तो 700 है ना, तो 700 यूनिट की वैल्यू कितनी, 700 का 28, 29 काट दिया 5 से, मतलब 140 रुपए का उपहार हो गया। आंसर फुकते फेंक दिए। समझ पा रहे बात को? आ रही समझ में? अब देख, नोट नहीं कर, एक मिनट प्लीज रुक जा। इसको अगर हम हटा भी दें, नोट कर लियो इसको, मैं आपको एक लॉजिक और देता हूं, ठीक है? मैं आपको एक लॉजिक और देता हूं। देख, ए और बी की बचत जो है वो 4:5 में, और उपहार का खर्चा जो है वो 3:4 में, ठीक है? अगर मैं कहता हूं कि भैया इस जितना पैसा बचाता है सब अपनी बहन को दे देता है, तो ये बराबर करना पड़ेगा तेरे को, यहां 3 से और यहां 4 से, मतलब 12 रुपए बचाता है बेचारा, 12 रुपए बहन को दे देता है। बोल हां या ना। अगर हम ऐसा मान ले तो कि भाई ये जितना पैसा बचा रहा सब बहन को दे दे रहा उपहार में, मान सकते कि नहीं? तो इसके लिए यहां 12 करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको 4 से। लेकिन कहता है वो ये तो 1/3 ही खर्चा करता है, मतलब 3 रुपए कमाता है तो सिर्फ 1 रुपए खर्चा करता है। तो एक काम कर, बचत को 3 गुना बढ़ा दे, इसको 1 गुना बढ़ा, नहीं 3 में से 1 खर्चा कर गए, तो इसमें 9 से गुना कर दे, 9 चौका 36, 9 पंजे कितना 45, ये बचत हो गई, ठीक है? और 4 दिया 12, और 4 चौका कितना 16, सही है? अब देख, ये ए है ये बी है, इसके पास कितना बच गया 29, और इसी 29 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है तेरे को, 145 दी गई है कि नहीं, कि बोल हो ना, दी गई है ना? तो एक यूनिट की वैल्यू 145/29, तो गिफ्ट का खर्चा कितना है 12+16 बोले तो 28, 19 × 5 = 145, 140 रुपए का गिफ्ट आ गया, आ गया 140 रुपए का गिफ्ट। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? नहीं आ रही? हाँ या ना? एक बार पहले नोट कर, एक बार पहले नोट कर इसको। इसको भी नोट कर ले, और उसको मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूं। पर मैं समझा दूं फिर से एकदम एज इट इज। एक बार पेन को बंद कीजिए और इधर हमारे तरफ आइए। देखो मैंने क्या करा, इसमें मैंने क्या सोचा है कि ये बचत है और ये उपहार की कीमत है। मैंने ये सोचा, काजे ने मान लो ये वाला भाई जो है वो जितना रुपया का बचा रहा उतने रुपए का उपहार में दे दे रहा, मान लो एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, तो ये 4 में 3 से गुना करोगे तो 12 रुपया बचत कर रहा, अब 12 रुपया उपहार में दे दे रहा, 4 दिया 12, 3 चौका नहीं, लेकिन खर्च तो वो 3 में वो 1 तिहाई कर रहा, मतलब बचत अगर 3 रुपया कर रहा तो खर्चा कितना कर रहा 1, तो बचत को 3 गुना बढ़ा दे और खर्चे को 1 गुना बढ़ा दे उपहार के खर्चे को, नहीं? तो ये देख,
9 से गुना होगा पूरे रेशियोज में, तो 9 चौका 36 और 9 पंजे 45, 36 45, समझ पा रहे बात को। और इसमें 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 45 में से 16 गया, ये हो गया 29। तो इसी 29 जो बी के पास जो बचा हुआ है 29, तो क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 145 बचा हुआ है ना, तो 29 यूनिट की वैल्यू 145 हुई कि नहीं हुई ना, तो 29 यूनिट की वैल्यू अगर 145 हुई तो एक यूनिट की वैल्यू 145 बटा 29 हुई, तो उपहार का खर्चा पूछ रहा कि उपहार कितने है, तो 16 रुपया इसने दिया है, 12 रुपया इसने दिया है, टोटल कितना हो गया 28। समझ पा रहे? अगर आप किसी भी कारण बस नहीं समझ पा रहे, मेरे से नहीं बोल पा रहे, तो जब मैं इनकम आऊंगा आपको है ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर हो सकता है कि अब इसमें पूछूंगा मैं को इनकम एक्सपेंडिचर चूज, तो उसमें भी ये फंडे लगते हैं, तो मैं आप सो उस टाइम इस क्वेश्चन को एक बार और क्लियर करा दूंगा, ठीक है।